एनकाउंटर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज चैनल और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अमृतसर के शहरटा इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दीपक कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि एक शांत रूपी चोगा पहने हुए रहता था। दरअसल 9 साल की एक बच्ची अपनी मां के साथ गुरुद्वारे में माथा टेकने आई थी और बीती रात को दीपक नाम के शख्स ने उसके साथ कथित बलात्कार कर दिया। पुलिस ने मामला IPC की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज किया है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बलात्कार की पूरी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन बीती रात लोगों को जब दीपक की हरकत का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा दीपक के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीती रात इन्फॉर्मेशन मिली कि गुरुद्वारा चाड़ा साहब के बाहर एक दीपक नाम का व्यक्ति आ जिन्होंने पब्लिक ने फड़िया तो मौका से पुलिस पार्टी पुजी, जिते मैं समेत पुलिस पार्टी पुजा उत्थे दीपक नाम का लड़का जरा पब्लिक ने मैं फड़ाया, वो सट्टा वगैरह लगिया, वह मैं मैडिकल कराया। जो बाद पता लगा वी एक दीपक नाम का लड़का जरा ना ये पटियाले का रहने वाला है, तो एक लड़की है 9 साल की, अपनी माता ने इतने अमृतसर आई ही, इन्हें वेद रेप करने की कोशिश की। मुकदमा दर्ज है ये 63 नंबर मुकदमा दर्ज करके जी जुर्म 376 511 6 एक्ट दर्ज करके इन गिरफ़्तार करके पीएस अदालत करके जुडिशल बंद हवाला कराया गया वा। तो लड़की का जोड़ा वा मैडिकल मनु शर्मा लेडी ASC वालों करवाया जा रहा वा, बाकी जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कार्रवाई हम चलिया जाएगी। एनकाउंटर न्यूज अमृतसर से कैमरामैन ललित के साथ नितिन कालिया की रिपोर्ट।